तो भाई क्या रोमन रेंग्स बेटर होने वाले हैं सैमी जेन से? क्या सैमी जेन ब्लड लाइन के अंदर घुसते घुसते भाई रोमन के ऊपर अटैक कर सकते हैं? इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है, तो वो भी सुन लेना। एंड भाई आज फॉरबिडन शो था, क्या ही कमाल का। एंड उसके अंदर हमारे WWE के मतलब कि एक्स WWE सुपरस्टार अपना रिटर्न कर गए AEW के अंदर। कौन है भाई वो जानेंगे, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात आती है भाई, वो है फॉरबिडन शो के अंदर एक ह्यूज रिटर्न हुआ, सरप्राइज रिटर्न हुआ। वो रिटर्न था सिज़ारो का, सिज़ारो रिटर्न कर जाते हैं। एंड भाई साहब क्या ही मैच थी। मैं WWE छोड़कर भाई अब AEW के सुपरस्टार बन चुके हैं, यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार बन चुके हैं। तो भाई इनका नाम अभी चेंज हो चुका है, नाम भी चेंज हो रहा है ऐसे माना जा रहा है। इनका नाम जो है भाई वो है क्लॉडियो बोल के इनका नाम है भाई। तो अब देखना पड़ेगा सिज़ारो का जो पुश है कितना अच्छा रहने वाला है। कहा जा रहा है कि भाई जो पुश के हिसाब से सिज़ारो AEW के अंदर आए हैं वो काफ़ी बड़ा है। तो देखना पड़ेगा तो क्या कुछ होता है AEW के अंदर सिज़ारो के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बात कर लेते हैं। तो भाई वो है WWE से जुड़ी हुई, लोगन पॉल ने भाई हिंट दिया है, टीज किया है कि वो रिटर्न करने वाले हैं WWE के अंदर बहुत जल्द। एक स्टोरी उन्होंने डाली थी इंस्टाग्राम के अंदर जहाँ पे भाई वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड वहाँ पे नीचे जो एक पुतला है जो कि ट्रेनिंग के लिए काम आता है तो उसके ऊपर वो जंप कर रहे हैं। एंड WWE को उन्होंने टैग किया है, एंड समझ लो भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ सीन है। वो आए थे रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद से हमको जो लोगन पॉल देखने को नहीं मिले। अब ऐसे लग रहा है कि लोगन पॉल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि WWE के अंदर उनका जल्द से जल्द रिटर्न हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि भाई समर स्लैम के अंदर उनका रिटर्न हो। एंड उसके बाद हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो वो है जॉन मॉक्सली ने इंसल्ट किया है WWE को, अपनी फॉर्मर रेसलिंग शो को इंसल्ट किया उन्होंने। अब देखो उनका करियर स्टार्ट हुआ था WWE से ही, अब उनको ही उन्होंने इंसल्ट कर दिया है। रेनी यंग आपको पता होगा डीन एम्ब्रोस की वाइफ है, मतलब कि जॉन मॉक्सली की वाइफ। उनका एक शो चलता है भाई यूट्यूब पे भी, आप मार के देखोगे तो उनके शो के अंदर वो इंटरव्यू आप देख सकते हो खुला, जहाँ पे रिनी यंग ने उनका कहा कि WWE में एंड AEW में अंतर बताओ, क्या कुछ चीज़ें सिमिलर हैं क्या कुछ नहीं है। तो भाई जॉन मॉक्सली ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम WWE से कंपेयर मत करो, WWE है ही नहीं, क्योंकि WWE के अंदर मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाता था, बट AEW के अंदर मुझे खुला छूट मिली है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कभी भी कहाँ भी जा सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। एंड WWE के अंदर वैसा नहीं था, जो वो कहते हैं वही करना पड़ता था, अगर हम दूसरा कर भी लेते हैं तो कुछ हमको चार्जेस लगाए जाते थे जो कि बहुत ही घिनौने टाइप के हैं। कुछ इस तरीके से जॉन मॉक्सली कहते हैं भाई, एंड इंसल्ट कर देते हैं पूरी तरीके से WWE को। कहते हैं कि WWE की बात ही मत करो मेरे सामने। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने तो भाई आप रेनी यंग का जो है यूट्यूब अकाउंट मार सकते हैं एंड वहां पे जाके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चल रहे हैं। तो वो है ब्रॉक लेसनर बेस्ट एवर हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, हां ऑब्वियसली वो बेस्ट एवर हैं, बट कर्ट एंगल ने अप्रिशिएट किया है कि ब्रॉक लेसनर अभी जो पायदान पे है वो काफ़ी कमाल का है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो चैंपियन भी बने, एंड चैंपियन वो पहले था अभी भी है, एंड वो बेस्ट एवर है WWE यूनिवर्स के अंदर, एंड वो बेस्ट एवर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कुछ इस तरीके से कर्ट एंगल अप्रिशिएट करते हैं। एंड बस सेकेंड चीज़, कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर की जो राइवलरी वगैरह होती थी सबसे कमाल की होती थी भाई। ऐसे ब्रॉक लेसनर भी कहा है कि कर्ट एंगल भी काफ़ी तगड़ा बंदा है, उसके साथ जो भी मेरे मैचेज होते थे काफ़ी कमाल के होते थे। तो अब देखना पड़ेगा क्या कुछ सीन है, बट बेस्ट एवर का जो नाम है जो रुतबा है भाई वो कर्ट एंगल ने ब्रॉक लेसनर को दिया है। अब हम लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चले जाते हैं। वो है रोमन रेंग्स बेटरे हो सकते हैं सैमी जेन की तरफ से। अभी कहना किसका है मैं बता देता हूँ, वो है भाई JBL का। JBL ये कह रहे हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि सैमी जेन जिस तरीके से माइंड गेम खेल रहा है वो रोमन को समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सैमी जेन अंदर घुस के अभी ब्लड लाइन बोलते बोलते भाई वो सीधे मनी इन द बैंक के अंदर चला गया। अब वहाँ पे मनी इन द बैंक के अंदर अगर ब्लड लाइन इसको सपोर्ट करेगी एंड मनी इन द बैंक जीत भी जाएगा तो सीधे कैश इन कर देगा रोमन के ऊपर एंड बेटर कर देगा रोमन रेंग्स को। वो रोमन को समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी हम सबको समझ में आ रहा है कि सैमी जेन का मास्टर प्लान क्या है, मास्टर स्ट्रोक क्या है। तो भाई कुछ इस तरीके से JBL का कहना है। आप इसके ऊपर क्या कहते हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।